हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मुझसे रोशन दीप सिंह भाई ने दो तीन गेम्स की वीडियो रिक्वेस्ट की थी और वे सभी गेम्स अनयूजुअल ओपनिंग्स के ऊपर हैं। उन्होंने जितने भी गेम्स के ऊपर मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा, वे सभी इरेगुलर ओपनिंग्स पर हैं, अनऑर्थोडॉक्स, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो आज की हमारी गेम कुछ है इसी तरह की। हालांकि मिडिल गेम में ये गेम काफ़ी सिंपल चली थी, बहुत सिंपल टैक्टिक्स थी, लेकिन ओपनिंग का जो फर्स्ट मूव है वो काफ़ी अजीबोगरीब था। यहाँ ये गेम है मैग्नस कार्लसन और तैमूर रज्बोव के बीच की। 2012 में खेली गई ये गेम वर्ल्ड ब्लिट्स चैम्पियनशिप की है, जो कि कजाकिस्तान में खेला गया था। तो आइए फ्रेंड्स, अब आपका और ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की मैग्नस कार्लसन ने विद एन वेरी अनयूजुअल ओपनिंग A4 के साथ। ये A4 ओपनिंग हम लोग एक नो सीखिए के द्वारा ही देख सकते हैं, लेकिन मैग्नस कार्लसन इस A4 को चलेंगे। फ्रेंड्स, आखिर उन्होंने इस A4 मूव को स्टार्ट में क्यों चला, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। तैमूर रज्बोव ने यहाँ किया E5, तो E4 यहाँ मैग्नस कार्लसन का जो A4 मूव था वो पहले चला गया मूव है। उनकी फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू ब्लैक वे सेट करेंगे, बस उन्होंने ये जो अपना A4 मूव है, जो शायद वो पाँचवें, छठे या सातवें मूव में चलते, वो पहले ही मूव में चल दिया। नाइट F6, देन नाइट C3, नाइट C6, नाइट F3, बिशप B4, तो बिशप B5। और अगर आप यहाँ इस पोजीशन को देखेंगे तो बिल्कुल सही ओपनिंग है। इस ओपनिंग में अब कुछ भी अनयूजुअल नहीं बचा है। यहाँ अब दोनों साइड्स ने कैसल किया, देन D6, तो D3, बिशप G4, नाइट को पिन किया, तो कार्लसन ने यहाँ किया नाइट E2। और मेरे ख्याल से ब्लैक के पास यहाँ पूरे चांसेस थे वाइट का कैसल पॉन स्ट्रक्चर ख़राब करने का। वो यहाँ कर सकता था इस पॉइंट पर बिशप टेक्स F3, तो G takes F3। और यहाँ इस तरह मेरे ख्याल से ब्लैक कुछ माइनर एडवांटेजेस ले सकता था, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया था A6, बिशप पर अटैक बनाया, तो बिशप टेक C6, B takes C6, देन नाइट G3, नाइट H5 ऑफरिंग नाइट एक्शंस। लेकिन यहाँ कार्लसन ने पहले G4 बिशप पर अटैक बनाया अपने H पॉन से H3, तो ब्लैक ने यहाँ पहले नाइट एक्शंस किए, नाइट टेक्स G3, F takes G3, देन बिशप D7, अपने बिशप को बचाया, तो G4, बिशप C5 चेक, तो किंग H1 स्क्वायर पर, क्वीन E7, तो क्वीन E1, देन F6, नाइट H4, ताकि वाइट अपने इस नाइट को यहाँ F5 स्क्वायर पर प्लेस कर सके, G6 कंट्रोलिंग दिस F5 स्क्वायर, देन बिशप H5 रुख पर अटैक, तो रुख F7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये मूव ब्लैक के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा करने के बाद, मीन्स रुक को F7 स्क्वायर पर लाने के बाद, इस रुक के जाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं बचेगी, क्योंकि फ़िलहाल थोड़ी देर तक तो वाइट अपने इस बिशप को यहाँ इस H6 स्क्वायर से तो हटाने वाला नहीं है। तो कार्लसन ने यहाँ किया रुक B1, तो बिशप B6, देन B3, D5, नाइट F3, देन रुक E8, क्वीन G3, बिशप C5, रुक B1, D takes E4, D takes E4, देन बिशप D6, तो रुक E2, C5, देन नाइट E2, देन बिशप E6, तो क्वीन D3, यहाँ सीधा इस A6 पॉन पर अटैक। तो ब्लैक अब यहाँ क्या करे, बिशप C8 हो सकता था, लेकिन ब्लैक ने यहाँ इस पॉइंट पर किया G5, और उनकी इंटेंशंस यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। रज्बोव यहाँ इस बिशप को इस कोने में ट्रैप करना चाहते हैं। तो कार्लसन ने यहाँ किया क्वीन टेक्स A6, किंग H8, देन नाइट C4। और फ्रेंड्स, यहाँ तक की भी ये गेम कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई थी तैमूर की गेम के साथ, लेकिन उन्होंने यहाँ बिशप टेक्स C4 कर लिया, और इसके बाद कार्लसन को मौका मिला इस गेम को डोमिनेट करने का। कार्लसन ने यहाँ किया क्वीन टेक्स C4, और उन्होंने यहाँ सीधा इस डायरेक्ट रुक पर अटैक बनाया, और ब्लैक की प्रॉब्लम है कि वो इस रुक को, F7 रुक को, कहीं और मूव भी नहीं कर सकता। तो रज्बोव ने यहाँ पहले किया रुक G8, और ब्लैक की प्लानिंग बिल्कुल सही कि किसी भी तरह से इस बिशप को एलिमिनेट कर दो, अनडिफेंडेड बिशप को, जो कहीं और जा भी नहीं सकता। तो कार्लसन ने यहाँ किया H4, और आप इसे काफ़ी हद तक सही भी कह सकते हैं कि अगर रज्बोव यहाँ इस
एच फाइल में पॉन ट्रेड ऑफ कर ले तो एटलीस्ट ब्लैक अप वाइट अपने इस बिशप को तो बचा लेगा, और यही काम यहाँ रज्जबो ने किया। उन्होंने यहाँ किया जी टेक्स एच फोर, लेकिन कार्लसन ने अभी अपने इस बिशप को नहीं बचाया, उन्होंने यहाँ किया जी फाइव। और फ्रेंड्स, यहाँ कार्लसन ने जी फाइव मूव क्यों चला, क्या आप यहाँ इस चीज़ को समझने की कोशिश कर सकते हैं? फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये एफ सिक्स पॉन बिल्कुल क्लियरली पिन है, और ब्लैक यहाँ अपने इस एफ सेवन रुक पर ना तो कोई नया डिफेंस बढ़ा सकता है और ना ही इस रुक को एफ सेवन रुक को कहीं और लेकर जा सकता है। तो ये रज्जबोव के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति रही होगी, क्योंकि उन्हें यहाँ ये पता है कि वो अपने इस रुक को नहीं बचा सकता, और ख़ासकर जब वाइट ने अपने इस जी पॉन को आगे बढ़ाया है। तो तैमूर रज्जबोव ने यहाँ किया रुक जी सिक्स, लेकिन फाइनल मूव फ्रॉम मैग्नस कार्लसन, रुक एट ई गोज टू एफ टू। और यहाँ इस मूव के बाद तैमूर रज्जबोव ने आई थिंक रिज़ाइन कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आई थिंक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये गेम लाइव नहीं देखी थी, तो मुझे इस गेम की टाइमिंग्स का नहीं पता। माइट भी हो सकता है यहाँ तैमूर रज्जबोव का टाइम ख़त्म हो गया हो, लेकिन फिर भी चाहे टाइम ख़त्म हुआ हो या न हुआ हो, यहाँ दोनों ही सूरतों में तैमूर कहीं भी नहीं जाने वाले थे, क्योंकि कार्लसन को उनके लगभग सभी मूव्स यहाँ पता थे। वैसे फ्रेंड्स, मैंने इस गेम को वीडियो बनाने के लिए क्यों सिलेक्ट किया है, सिर्फ इसकी अनयूजुअल ओपनिंग के लिए। हम लोगों को जो ओपनिंग अनयूजुअल लग रही थी, वो बाद में जाकर हमने देखा कि वो तो कार्लसन की ओपनिंग शेड्यूल का रीशफलिंग थी। उन्होंने अपने पीसेस को आगे या पीछे, एक दो मूव आगे एक दो मूव पीछे मूव करना शुरू किया था। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर दोबारा से रोशनदीप भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक अनयूजुअल ओपनिंग की एक ऐसी गेम के बारे में हम सभी लोगों को बताया। सो होपफुली फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।